ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश भाजपा में अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। हाल ही में हड़ौती संभाग के वसुंधरा राजे समर्थक नेताओं ने संयुक्त प्रेस बयान जारी कर संगठन में एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ अनदेखी के आरोप लगाते हुए निकाय और पंचायत चुनावों में पार्टी को मिली हार के लिए जिम्मेदार ठहराया था। वहीं अब बीते रविवार को कोटा में वसुंधरा राजे के समर्थक नेताओं ने एक होटल में चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें अप्रैल महीने में वसुंधरा राजे की अगुवाई में हाड़ौती संभाग में गहलोत सरकार के खिलाफ रैली का शंखनाद का ऐलान किया गया। इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और राज्यसभा सांसद ओम माथुर को आमंत्रित किया जाएगा, जिसके चलते रैली में हाड़ौती संभाग के चार जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से 50,000 कार्यकर्ताओं का जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। रविवार को आयोजित हुआ यह चिंतन शिविर पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत और अन्य पूर्व विधायकों की पहल पर आयोजित हुआ। आपको बता दें कि प्रदेश के हाड़ौती संभाग को जनसंघ के जमाने से भाजपा का गढ़ माना जाता है। वसुंधरा राजे खेमे के भाजपा नेताओं का कहना है कि वर्तमान में कोटा संभाग में एक विशेष व्यक्ति के इशारे से पंचायत राज और नगर निकाय चुनाव में प्रभारी नियुक्त किए गए और टिकटों का बंटवारा किया गया, जिसका नतीजा यह रहा कि बीजेपी अपने गढ़ में कांग्रेस से चुनाव में मात खा गई। यही नहीं, संभाग में बीजेपी पार्टी का सब जगह सूपड़ा साफ हो गया। असल में वसुंधरा राजे समर्थक इन नेताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हालांकि भले ही अप्रैल में प्रस्तावित रैली प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ करने की बात कही जा रही हो, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि असल में यह वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन है। चिंतन शिविर में 3 बार विधायक रह चुके और राजे गुट के माने जाने वाले भाजपा नेता भवानी सिंह राजावत ने हाल ही में हुए निगम चुनाव, पंचायत चुनाव व स्थानीय निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि आलाकमान ने वसुंधरा राजे को दूर रखकर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव व स्थानीय निकाय चुनाव करवाकर देख लिया और परिणाम भी भुगत रहा है। पार्टी की ऐसी दुर्गति को देखकर आम कार्यकर्ता चिंतित है। इस कुशासन से मुक्ति पाने के लिए वसुंधरा राजे ही एकमात्र विकल्प है जो पार्टी में नई जान डाल सकती है। भवानी सिंह राजावत ने कहा कि कांग्रेस राज को 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। भाजपा शासन की पेयजल, सिंचाई व अन्य योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि वसुंधरा राजे को आगामी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके ही भाजपा चुनाव मैदान में उतरे, तभी कांग्रेस के कुशासन से जनता को मुक्ति मिल सकती है। राजावत ने आगे कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेकर आयोजित होने वाली रैली में गृह मंत्री अमित शाह और प्रभारी अरुण सिंह को भी आमंत्रित किया जाएगा। इनके अलावा बैठक में राजस्थान के किसी अन्य पदाधिकारी को बुलाने के सवाल पर भवानी सिंह राजावत ने कहा कि जब अमित शाह और प्रदेश प्रभारी आएंगे तो प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को भी कार्यक्रम में आना चाहिए, उन्हें भी बैठक में बुलाएंगे। उनके अलावा किसे बुलाना है इस पर अभी विचार करेंगे। वहीं पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने अपने भाषण में कहा कि आजादी के बाद जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा में कोटा को अभेद्य दुर्ग माना जाता था। हमारे नेता ने खून पसीने से सींच कर इस संगठन को इसलिए खड़ा नहीं किया कि त्याग, तपस्या और बलिदान पर टिका यह संगठन चंद हाथों की कठपुतली बन जाए। कुछ लोग आज मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व के बगैर राज वापस नहीं आ सकता। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्याम शर्मा ने कहा कि पार्टी को लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने पसीने के दम पर खड़ा किया है। आज व्यक्ति विशेष के इशारे पर संगठन में पदाधिकारी बनाना, चुनाव में प्रभारी बनाना, टिकट देना हो रहा है। यह तो शुरुआत है, अगर संतुलन नहीं बनाया गया और निष्पक्ष कार्यशैली नहीं रखी गई तो पार्टी को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। शिविर में मौजूद रहे जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री कृष्ण पाटीदार ने कहा कि आलाकमान वसुंधरा राजे को दूर रखकर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव व स्थानीय निकाय चुनाव करवा कर देख रहा है और परिणाम भुगत रहा है। पार्टी की ऐसी दुर्गति को देख कर कार्यकर्ता चिंतित है। कुशासन से मुक्ति पाने के लिए वसुंधरा राजे ही पार्टी में नई जान डाल सकती है। पाटीदार ने कहा, लगातार केंद्र में रहते हुए और राज्य की 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए वसुंधरा राजे ने राजस्थान की कायापलट कर दी है। कोटा में बूंदी रोड स्थित एक होटल में आयोजित इस चिंतन शिविर का आयोजन भाजपा के पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत द्वारा किया गया। इसमें पूर्व विधायक विद्याशंकर नंदवाना, पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा, 12 जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश सिकरवार, बूंदी के पूर्व जिला अध्यक्ष महीपत सिंह हाड़ा, कोटा के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश विजयवर्गीय और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद पवार, कई वर्तमान मंडल अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच व प्रमुख नेता मौजूद रहे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।